मुझे तो पसंद आया, आपको कैसा लगा? आई थिंक सारे गामा पा की जो खासियत है कि हम लोग जो भी करते हैं वो बहुत बड़े स्केल में करते हैं, और बहुत ही एक एक ऐसा प्रेजेंटेशन के लोगों को मज़ा आ जाए, आप लोग जो आए हैं यहाँ आप लोग को मज़ा आ जाए, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका प्रदर्शन हो जाए, और बहुत ही मज़ा आया जब आप लोग ने ताली बजाई, आपने जो हमारे गाने थे उनको प्यार दिया, हमारे कंटेस्टेंट्स को प्यार दिया। बस मैं यहाँ स्ट्रिक्ट बनने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ कोई स्ट्रेस देने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ सिखाने आया हूँ, मेंटोर करने आया हूँ, क्योंकि हमारे देश में बहुत बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है, और ज़बरदस्त टैलेंट को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया है जहाँ उन्हें ऐसा मौका मिला है कि सारेगामा पा जैसा मंच मिला है, तो वहाँ वो मंच पे आने के बाद उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, क्योंकि ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है उनके लिए। ऐसे मौके बहुत मिलते नहीं हैं लोगों को, और सारेगामा पा जैसा मंच जहाँ इतने सारे मेंटर्स हैं, इतने सारे जूरी मेंबर्स हैं, इतने सारे हमारी म्यूज़िक टीम है वो उनको गाइड करती है, उनको सिखाती है, तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। मैं इसलिए आया हूँ इस मंच पे कि मैं एक सुपरस्टार बना सकूँ, एक बड़ा सा सिंगर इस मंच से निकले फिर से और एक बार, क्योंकि इतने सालों से कुणाल गांजावाला हो, श्रेया घोषाल हो, संजीवनी भिलांडे हो, हमसिका अय्यर हो, मैं हूँ, या बहुत सारे ऐसे बेहतरीन सिंगर्स हैं जो यहाँ से निकले हैं, कमल खान हो, या हमारे राजा हसन हो, या पिछले सीजन के विनर हो, आई थिंक एवरी ईयर देर शुड बी अ फैंटास्टिक सिंगर कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इस मंच पे कोई भेदभाव नहीं, कोई क्लास का डिफरेंस नहीं, हाँ एज ग्रुप भी बढ़ा गया है, हमने एज ग्रुप भी बढ़ा लिया है, और साथ में हम सबको वेलकम करते हैं गाने के लिए, और सच्चा सुर जीतेगा, यही है। तीन अलग अलग घराने इसलिए है कि एक फॉर्मेट है, वरना हम सब एक ही है, हमें सब एक साथ हैं, हम दुनिया को एक बेहतरीन शो देना चाहते हैं। घराना तो सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन के लिए है, लेकिन हम इस देश की तरफ से पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इस देश के 15 बेहतरीन सिंगर्स हैं।